हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के नेक्स्ट मूव की, और हम बात करेंगे कि जब भी अब कोई डिप आता है, जैसे कल भी डिप आया था, तो ऐसे डिप में हम क्या करें? या तो हम अपने जो ऑल्ट कॉइन्स है या जो कोई हमारे क्रिप्टो कॉइन्स है उनको बेच दे क्योंकि मार्केट क्रैश होने वाला है, या उस डिप में उन कॉइन्स को बाय करें, अच्छे कॉइन्स को। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको हमारा कल का वीडियो दिखाया, अगर आपको याद हो तो, आपने अगर हमारा कल का वीडियो देखा हो तो बिटकॉइन एक असेंडिंग जो है वेज में था, या असेंडिंग चैनल में था। तो आप देखेंगे यहां पे भी, तो कल के वीडियो में भी जब हमने आपको दिखाया तो ये ऐसा एक राइजिंग वेज में था, असेंडिंग राइजिंग एक ही बात है, और ये हमारा टॉप का रेजिस्टेंस था। और मैंने आपको बोला था कि ये हमारा जो नीचे है वो सपोर्ट है। तो अगर आप अभी बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे, तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, कहाँ से ये मिनिमाइज होगा। ओके, तो ये अभी मैं इस वीडियो को मिनिमाइज करता हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और अगर आप अभी बिटकॉइन का चार्ट देखें तो ये एग्जैक्ट उसी लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। और अब अगर आप देखेंगे तो जो मैं आपको कल बोल रहा था बेरिश रेजिस्टेंस वगैरह या डाइवर्जेंस वगैरह, तो वो इसने अभी खत्म कर दिया है। अभी ये डेली पे अभी भी है और ये अभी भी मुझे लगता है ये क्रैश करेगा, बट एटलीस्ट 4 आवर्स पे अभी, हाँ 4 आवर पे अभी देखिए तो इसने नीचे मूव कर दिया है। तो वहां डाइवर्जेंस जो है वो अभी खत्म हो रहा है और ये अभी, लेकिन डेली पे स्ट्रॉन्ग है तो ये मुझे लगता है अभी भी क्रैश होगा। तो हमें अभी भी वेट करना चाहिए। बिटकॉइन को अभी आप छोड़ दें क्योंकि वैसे भी बिटकॉइन जो है उसमें अभी आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर ही पूरी मार्केट चलती है। तो आप देखिए कल बिटकॉइन का जो क्रैश था वो तो सिर्फ, अगर आप यहां से देखेंगे तो महज सिर्फ 7% का क्रैश था। बट अगर हम ऑल्ट कॉइन्स में जाके देखते तो ऑल्ट कॉइन्स कुछ ऐसे भी थे जिसमें 20%, 25%, 30% का भी क्रैश था। ओके, तो अभी भी जैसे बिटकॉइन इस राइजिंग वेज में ही है तो हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, या अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो रेजिस्टेंस पे बेचे और सपोर्ट पे खरीदते चले। ये अभी सपोर्ट कंफर्म हो चुका है और ये रेजिस्टेंस भी कंफर्म हो चुका है क्योंकि इसको 3 बार हमने टेस्ट कर लिया और सपोर्ट को 2 बार। ओके, तो ये तो है बिटकॉइन। डेली पे अभी भी जो है वो हमारी डाइवर्जेंस है तो उसका वेट करें। आरएसआई एकदम ओवरबॉट जोन में अभी भी है तो इसलिए उसका भी वेट करें। एक जो इंडिकेटर और है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसका नाम है मैकडी। ओके, तो मैकडी भी जो है ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये वाली जो ब्लू लाइन है ये जब भी रेड को क्रॉस करके नीचे आती है, जब क्रॉस करती तो समझ जाइए कि वो टाइम है कि मार्केट जो है वो करेक्ट होने वाला है। अगर आप देखेंगे यहाँ तो ब्लू लाइन जैसे ही डेली पे बेंड हुई, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये पॉइंट है, तो ये आपको यहीं पे सिग्नल दे देता है कि हाँ मैं अभी मार्केट जो है वो क्रैश होने वाली। तो अगर आपने इसको यहाँ बेच दिया होता और वापस इस टर्न पे अगर आपने लिया होता तो आप देखिए कितना प्रॉफिट बना सकते थे। तो मैकडी भी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेटर है, तो हमें आरएसआई के साथ मैकडी दोनों को हमेशा यूज करना चाहिए। तो अगर अभी आप देखें, मैंने बोला आपको आरएसआई पे भी डाइवर्जेंस है और मैकडी भी जो है वो वापस से ऐसा क्रॉस होने वाला है, तो अगर ये वापस क्रॉस होता है तो हमें वेट करना है कि ये इसको या तो ये टर्न हो ऐसा पूरा नीचे की तरफ, मैं आपको पेंट से बना के दिखाता हूँ, या तो ये पूरा ऐसे नीचे की तरफ आए और ये रेड लाइन भी जो है वो ऐसे नीचे आ जाएगी और ब्लू भी नीचे आएगी तो ये मार्केट क्रैश होगा। बट अगर ये यहाँ से ऐसा साइड साइड में ही निकल के वापस ऊपर जाता है तो ये हमें वापस ऊपर लेके जाएगा। तो ये दोनों इंडिकेटर्स पे ध्यान रखिए, इसके टर्न का ध्यान रखिए। अगर ये टर्न होता है और नीचे आता है तो इसका मतलब हमें बेच के निकलना है, और हमें बाय कब करना है, जैसे ये मोमेंटम वापस से पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। मतलब मैं आपको ये बताता हूँ, मोमेंटम पॉजिटिव अगर आप मैकडी को देखेंगे तो ये जो होता है दोस्तों ये मोमेंटम रहता है। तो ग्रीन साइड मतलब आप एक बुलिश जोन में हैं और रेड मतलब मार्केट क्रैश हो रहा है। तो जब ये पीक पे है ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी ट्रेड में घुसने का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां देखें तो एकदम आप बॉटम पे घुसते हैं, तो
तो आपको वहां घुसना है, उसके साथ आपको RSI का डबल बॉटम मिल रहा है, प्राइस का डबल बॉटम मिल रहा है, मतलब वो ट्रेड जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेड है। ओके, तो ये तो बात हुई बिटकॉइन की। बिटकॉइन अभी भी बेरिश डाइवर्जेंस है, मुझे अभी भी लगता है नीचे गिरेगा, तो मैं बिटकॉइन से तो अभी फिलहाल दूर रहूंगा। और बिटकॉइन के बाद अगर मैं इथेरियम को देखूं, तो दोस्तों ये जरूर याद रखिए, ये ट्रेडिंग के लिए है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसे खरीदना है, तो बिटकॉइन का दाम अभी भी बहुत कम है, आप बिना सोचे समझे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इथेरियम। तो जिन लोगों ने भी, अगर वो ट्रेड में थे हमारे, जहां हमने बोला था कि आप शॉर्ट ट्रेड ओपन कर सकते हैं, तो ये देखिए दोस्तों 0.618 तक हम आए थे, हम 0.786 तक नहीं आए, बट 618 तक हम आए थे। तो यहाँ पे भी, मतलब 0.5 पे, तो ये भी एक ऐसा अच्छा बाय जोन था। तो अभी अगर आप शॉर्ट में हैं, तो आपको इसको बंद कर देना चाहिए। और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह है ये लॉन्ग विक। दोस्तों ये बताती है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है इस कॉइन पे, मतलब लोग हर डिप को खरीदना चाहते हैं, हर डिप को। अगर आप यहाँ पे भी देखें, तो ये ऐसा विक के बाद सॉलिड ग्रीन बॉडी आया था, एकदम जबरदस्त। और अभी भी डेली जो है, अभी तो दिन शुरू हुआ है, और आप देखिए तो यहाँ पे भी हम एक अच्छा लॉन्ग अभी बॉडी देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट में हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप बंद कर दीजिए, हम बिटकॉइन का वेट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आया था, क्रैश हुआ, लेकिन अभी ये वापस से, जैसे मैंने आपको मैग्डी का समझाया, ये शायद ब्लू लाइन फिर से ऊपर जा रही है। तो इसलिए थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ये कॉइन्स एकदम टॉप पे, तो हमें इनकी जरूरत, हमें इनको रिस्क इनका नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले, ट्रेडिंग में इनसे रिस्क ना ले। तो ये तो बात हुई इथेरियम और बिटकॉइन की। ओके, तो इथेरियम का भी मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो बाइंग जोन है, मैंने भी एक्चुअली लॉन्ग यही ओपन करके रखा हुआ है $1500 पर। मैं वेट करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है ट्रेड में घुसने की, मैं एक ट्रेड अच्छा यहाँ लूंगा और फिर मैं इसे होल्ड करूंगा हमारे पहले टारगेट तक, जो है 2660। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन के डिप्स की। तो अगर आपको याद होगा, मैंने हमारी कल की वीडियो में भी बोला था, ये एक बुल रन है, अभी एक बुल मार्केट चल रही है, और बुल मार्केट में सबसे बेस्ट टाइम घुसने का होता है ये सब क्रैशेस में ही। ओके, आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ग्रेट का ही। जैसे हम लोग कल ये ग्राफ टोकन का बात कर रहे थे, तो हम इसी टोकन की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो कल मैंने आपको बोला था कि 0.618 पे हमें खरीदना चाहिए, उसके पहले हमें नहीं आना चाहिए। तो आप देखिए, ये यहाँ आया, मेरा बाइंग जोन यही था 0.193। मुझे माफ कीजिए, ये थोड़ा ब्लर्ड होगा, तो मैं इस एरो को डिलीट करता हूँ। ओके, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये क्या है। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे, हाँ, तो ये 1.94 इसके दाम पे मेरा लॉन्ग जो था वो ट्रिगर हुआ। अभी इसके बाद ये और भी नीचे क्रैश हुआ, तो हम इससे 4 आवर्स में चलते हैं, क्योंकि डेली में हमें इतना समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो आप देखिए, मेरे बाइंग जोन को हिट करने के बाद ये और नीचे गया, तो मैंने उसको बेचा नहीं। जैसे ये नीचे गया, तो मैंने यहाँ जितना खरीदा था, मैंने यहाँ उसे और डबल खरीद लिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऊपर वापस जाएगा। यहाँ आने के बाद तुरंत मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही, आधा ही लेना था, मुझे ये डबल नहीं लेना था, लेकिन जैसे ही मेरा ये प्रॉफिट में चेंज हुआ, मैंने यहाँ मेरी आधी पोजीशन खाली कर दी और वापस से उतनी पोजीशन पे आ गया जितना मुझे, जितने का ट्रेड ओपन करना था। तो इसमें आपने क्या किया, यहाँ तो आपको प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तो मिला ही, लेकिन ये और क्रैश हुआ, तो आपने इसको और डबल ले लिया, और अभी आप वापस से अपने यहाँ आने के बाद आपने आपका प्रॉफिट में वो आधी पोजीशन निकाल दी, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को आप होल्ड कीजिए जब तक आपके टारगेट को वो पोजीशन हिट नहीं करती। अभी हमारा टारगेट क्या है, $2.892, उसे होल्ड करें इस टारगेट को। अगर ये और नीचे जाता है, तो वापस से जैसा मैंने आज किया, अपनी पोजीशन को डबल करें, ऊपर प्रॉफिट लें और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। और ये हमें तब तक करना है जब तक मार्केट रिवर्स नहीं होती। और मार्केट रिवर्स कब होगी, जब ये कॉइन बिटकॉइन ये जब लोअर लो बना देगा। तो अभी अगर आप देखें, हमारा जो लो है वो है ये 37,000 का। जब बिटकॉइन का प्राइस 37,000 से नीचे जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे भी हमें नहीं निकलना है, ये भी गलत स्पॉट है निकलने के लिए। आपको क्या करना है, अगर बिटकॉइन यहाँ आया तो यहाँ ठीक है आपका थोड़ा नुकसान होगा, बट वेट करें। क्यों? क्योंकि हर मार्केट सीधा नीचे नहीं जाती। अगर इसने लोअर लो बनाया है तो ये लोअर हाई भी बनाएगा, तो लोअर हाई यहाँ बनेगा, यहाँ पे आपको बेच के निकल जाना है, चाहे आपका थोड़ा लॉस हो या कुछ भी हो, लेकिन ये वो स्पॉट है जहां पे निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद ये एक और लोअर लो बनाएगा। तो ये होगा, जब ऐसा हुआ तब समझिए मार्केट रिवर्स हो रहा है, और अभी आपको अपने लॉन्ग पोजीशंस खाली करने हैं, और अब फिर हम लोग उसके बाद शॉर्ट पोजीशंस पे जाएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक बिंदास हर क्रैश में बाइंग करे, जम के बाइंग करे, क्योंकि आपको प्रॉफिट बहुत सॉलिड मिलने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें मैंने अल्टीमेट प्रॉफिट बनाया है, वो है ये टोकन। अल्टीमेट इसमें मैंने प्रॉफिट बनाया, क्योंकि कल मेरा जो बाइंग जोन था, आपको हमेशा मैंने बोला है हमें कभी भी अगर बाय करना है तो हमें 0.786 में बाय करना है। तो मेरा $90 का जैसे ही टारगेट हिट हुआ, ये और नीचे क्रैश हुआ, और मैं तो लेवरेज में था तो मेरा और नुकसान ज्यादा हो रहा था। बट मैंने क्या किया, मैंने पोजिशन 90 के बाद 80 पे और डबल की, और 70 पे मैंने और खरीदा, और फट से अगर आप देखेंगे ये 4 घंटे का ही कैंडल है, इसने जब से विक मारा और ऊपर आया, और मैंने यहाँ पे मेरी जो डबल पोजीशन थी वो मैंने सुपर डुपर बढ़िया प्रॉफिट लेके मैंने यहाँ एक्चुअली इसी लाइन के ऊपर मैंने वो 145 पे बेच दिया। और अगर आप मेरा प्रॉफिट देखेंगे, मैंने तो 10x लेवरेज के साथ किया था, तो अगर आप मेरा प्रॉफिट देखेंगे तो ये अभी 109 दिखा रहा है, लेकिन मेरा डॉलर कॉस्ट एवरेज था, तो जिससे मैंने 350% का प्रॉफिट निकाला, बेचा, और अभी मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन को जो मुझे होल्ड करनी थी उसी को मैं होल्ड करके बैठा हूँ। एक चीज और दोस्तों, चाहे मैं आपको ये लेवरेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लेवरेज बिगनर्स के लिए नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का, तो लेवरेज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपको वो मार्केट, वो आपको वो ट्रेड बिल्कुल आपको लिक्विडेट करेगा, आपका पूरा पैसा खत्म कर देगा, और ये गलती मैं कर चुका हूँ। इसीलिए भी कभी भी आप मुझे देखेंगे तो मैं 5x से 10x से ज्यादा लेवरेज नहीं करता, और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप अच्छे ट्रेडर भी हैं तब भी उससे ज्यादा लेवरेज मत करें। और अगर आप अच्छे ट्रेडर्स नहीं हैं, आप अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और आपको सिर्फ 2 या 3 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो लेवरेज बिल्कुल मत करें। 6 महीना 1 साल लगाएं, नॉर्मल ट्रेड्स करेक्ट करें, जैसे ही आपके नॉर्मल ट्रेड सही हो जाएंगे आप लेवरेज में जा सकते हैं। और देखिए, क्रिप्टो का एक एडवांटेज क्या है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों तरफ। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे ये जो टेलीग्राम ग्रुप्स है इनको ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे हम ये डेली ट्रेड जो है वहां पोस्ट करते हैं, हम लाइव अपडेट देते हैं, और वहां बाकी सब ट्रेडर्स एक दूसरे की मिलके हेल्प करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।